हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट गालिब निहाद और आज हम एक और मज़ेदार सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आज का जो सवाल है वो ये है कि वो कौन सा ऐसा फल है जिसे हम सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आइए क्वेटा के लोगों से जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम काशिफ अजीज। मोहम्मद समीम। अब्दुल लतीफ। इनामुल्लाह सर। असीर खान। शेर आदम। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है। अच्छा, मुझे ये बताओ वो कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसे हम सब्जी की तरह यूज़ करते हैं? सब्जी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट है। सब्जी किस तरह इस्तेमाल करते हैं? नो, कोई आइडिया नहीं मुझे। यार अमरूद को भी सलाद में यूज़ कर सकते हैं। तरबूज। गोभी सब्जी है यार, अपनी अपनी तरह का हो तुमने बताया। बैंगन। खीरा। मेरे ख्याल में खीरा तो नहीं। खीरा नहीं? नहीं नहीं, खीरा तो नहीं है मेरे भाई। ये आप सबको खीरे के पीछे क्यों, कोयटा वाले खीरे के पीछे क्यों पागल हैं इतने यार? खीरा यार, ये पांचवें बंदे ने मुझे खीरा जवाब दिए। ये आप लोग खीरा क्यों पसंद है कोयटा वालों को इतना? सलाद बनाने की तकनीक ऐसे है कि सबसे पहले आप खीरा लें और अगर मजा आ रहा है तो लेते रहे, सलाद फिर कभी बना लेंगे। नहीं, क्या क्या एक मिनट, कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसे हम सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं? टमाटर है। टमाटर है? पक्की बात है? वो टमाटो। टमाटर। टमाटर यार, जाते सब पेट में ही बाकी नहीं। दिन भर डुक्कर की तरह खाता रहता है, एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा, सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे। हार मान ली आपने? हाँ मान ली। चलो फिर शेर सुनाओ। अच्छा सा। अच्छा, बोल चिराग महफिल बन, चिराग रा गुजर ना बन, एक यूसुफ तलाश कर, हर किसी की जुलेखा ना बन। ओहो, ये कौन सा रक्षे के पीछे से पड़ा? के पीछे नहीं पड़ा था, गूगल पे पड़ा था। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, मेरा ये गुजारिश मुख्तसर, मेरा दर्द और बढ़ा ना दे। मेरे भाई आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे साथ कोई ज़बरदस्त सवाल शेयर करना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इसके अलावा अगर आपको ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएँ ताकि कोई खबर रह न जाए।